कृष्णा, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक दिन इस रिश्ते में बन जाएंगे। तो मैंने कब सोचा था, ये तो मजबूरी थी। लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था। मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा, लेकिन इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तो प्लीज बुरा मत मना। अरे तुम तो कबूल ही ना करो, मैं तो यही चाहती हूँ। मरियम के जाने के बाद उसकी जगह किसी और को देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था मैं। लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। हाँ, अगर इस कोशिश में थोड़ा वक्त लग जाए तो मेरा साथ देना। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुम्हें तुम्हारा हक और तुम्हारी खुशियां ना मिले। क्या मुसीबत है, ये क्या फजूल बातें किए जा रहे हैं। मुझे तो इससे कुछ चाहिए ही नहीं, ना कोई वादा, ना ही हमदर्दी और ना ही इसकी मोहब्बत। देखो रुशना, मैं जानता हूं कि तुमने जिंदगी में बहुत दुख उठाए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी जात तो शतरंज की बिसात पे रखे एक मोहरे की तरह है असद, जिसको खेल के मुझे शहमात देनी है और फिर खेल खत्म और पैसा हजम। रुशना, वैसे तो तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, आज तुम बिल्कुल चुप हो। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, आपकी तरह अच्छे अच्छे अल्फाज नहीं है मेरे पास। अब ये गिफ्ट आया था तुम्हारे लिए। टू मेक यू सेल्फ कंफर्टेबल, मैं जरा यूसुफ को देख लूं। शुक्र है जान छूटी इससे। हाय, क्या हुआ? मैं यूसुफ को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है? वो गुल के साथ है। अच्छा, अब जाके वहां से उठा लेता हूँ उसको। क्या हो गया? वो आज हमारे साथ है, आप जाएं, आप आराम करें। गुल, आई एम रियली सॉरी, यूसुफ को लेके तुम इतना डिस्टर्ब हो रहे हो। सॉरी की कोई बात नहीं है असद भाई, यूसुफ मुझे इतना ही प्यारा है जितना बाकी सब। और एक बात कहूँ, आप कुछ दिनों के लिए यूसुफ की फिक्र छोड़ दें और रुशना पे तवज्जो दें, यूसुफ को मैं संभाल लूंगी। वो मुझे बहुत प्यारा है और अगर वो मेरे पास रहता है तो मुझे भी सुकून रहता है। थैंक यू सो मच। पर बहनों का शुक्रिया अदा नहीं करते। चलो थैंक यू गुरु। वो दिन दूर नहीं है गुरु, जब तुम मेरी सारी खताएं माफ करके मुझे वही प्यार दोगी जिसका जिसका मैं आदी हो गया था।